अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबका क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? सब ठीक ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सब क्या कर रहे हैं? आज मैं जा रहा हूँ मदीने पाक, क्योंकि आपको पता है कल ईद है। और देखो मायरा भी आ गई, मायरा भी अभी भी उठी है। मायरा जाओ ना, अभी जा रहे हैं मदीने, पता है मदीने पाक जा रहे हैं। मनूर भी आई, देखे गाइस सारा भी आ गई। सारा आ जाओ, जाओ गाइस देख रहे हैं सारा भी आई है। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रहे हैं हर्ष, देखिए और है ये कितनी दुनिया है, सब छतरी उठाई हुई है, गर्मी है ना। तो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, फिर आप देखें कितना वहाँ पर रश अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए। तो जितने भी गए हज के लिए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो है ना, मदीना पाक जा रहे हैं। तो अभी मैं गाँव खाना खा रहा हूँ, टाइम हुआ है 1 बज गया। देखते हैं हम लोग अभी निकलते, नीचे तो आपसे बात करता है, ठीक है गाइस? गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए, नीचे आ गए हैं। तो अभी गाड़ी में सामान रखा है, तो मैं गाड़ी गाइस पॉलिश लगाता हूँ। आपको कुछ को पता होगा कि क्यों लगाते हैं ये पॉलिश लगा ऊपर आगे उसका, क्योंकि कभी कभी रस्ते मिट्टी होती है वगैरह, तो गाड़ी की लेटेस्ट हैंड ब्लास्टिंग हो जाती है, इसलिए मुस्तबिल होती है मुसीबत बाद में। तो अभी ये है कि गाड़ी खड़ी की भी, अबू बैठे अंदर, सारा मेरा भी बैठी अंदर ही। तो फिर आधे घंटे तक निकलते हैं फिर गाइस, चले आपसे रस्ते बात करते हैं फिर। गाइस देखिए अब हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, देखें ये मोबाइल में लगी हुई सायरा, मोबाइल कितना देखोगी और इसको देखे ये भी लगी मोबाइल क्या हुआ अभी उठी है ना नींद से, इसीलिए चलो उसी उठी थी ना, तो उसके बाद अभी इसको नींद आई भी है। तो गाइस अभी हम लोग रास्ते में हैं, देखे गाड़ी बैठे हैं पीछे, देखें ये देखें गाइस, तो आपसे फिर आगे दिखाते हैं। ट्रेन जा रही गाइस, ये मदीना में लगा, अभी ट्रेन शुरू होने लगी है ना, तो ट्रेले में लोड की हुई गाइस ट्रेन है, मैंने अभी देखी। वाओ गाइस, फिर आपने देखा ट्रेन, वो अभी मदीने में शुरू होने लगी है ना ट्रेन, तो उसके लेके जा रहे हैं। कहते हैं ट्रेन कितने पीस थे ट्रेन के? तीन पीस थे ट्रेन में, ट्रेले में रखे लोड किए हुए उन्होंने, मदीना जा रहे उधर वही ना। वो गाइस देखे वो सामने ट्रैक जा रहा है उधर, हमें यहाँ से देखा शायद कैमरे में ना दिख रहा, वो सामने ट्रैक जा रहा है उधर। तो चलो गाइस चेक पोस्ट आ गई थी, तो मैं आपसे देखते कहाँ जा। गाइस अभी हम लोग समझो 2 घंटे चल पड़े, तो 2 घंटे में देखिए मायरा। अभी हम लोग समझ रहे रोड पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश आई है ना मुझे, बहुत सख्त बारिश आई है। बस आप दुआ करें इंशाल्लाह कि आप लोग इसमें से गुजर जाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। आज माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस देखे अब इशारे लगा लें, सारा नहीं रोते सारा नहीं रोते, सही तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस देखे पीछे कुछ दिख रहा नहीं है, उफ बारिश है सारा। देख गाइस हमने खड़े रोड में, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई गाइस, ये देखें अब पीछे बहुत ज्यादा तेज थी, आगे थे गाड़ी लोग गाइस जी, ये देखें गाइस उफ मैं तो गाइस पूरा गीला हो गया। देखे गाड़ी लोग गाइस आ रही है, देखे गाइस वो एक गाड़ी वाला आगे से उतर के देखे गाइस, वो देखे भाई खड़ा है देखे। चलो गाइस आपसे बाद आके बात करते हैं, क्योंकि बहुत बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज अभी बहुत शुरू हो गई गाइस, आपसे बाद बात करते हैं। गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखे बारिश में थोड़ा सूख रहा है, एसी लगाया अभी मैंने, मतलब आज से इसलिए सर्दी भी लग रही है। देखे इसने क्या किया हुआ, कम्बल मारे ने कंबल किया हुआ है, सर्दी लगी किससे बोल रहा है। गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने हैं हम लोग यहाँ पे, तो
गाइस बहुत तेज़ बारिश थी आगे, देखा आपने कितनी तेज़ बारिश थी। तो अभी इतनी तेज़ हवा शुरू हो गई है, फल्लाई देखा गाइस बहुत तेज़ हवा शुरू हो गई है और आवाज़ आ रही होगी अभी, चमक रहा बहुत है। तो अब देखिए मेरे कैमरे में थोड़ा पानी गिर रहा है, थोड़ा थोड़ी बारिश लगी हुई है यहाँ पे भी। तो आपसे फिर हम लोग मदीना पाक जाने के बाद जा पहुँचेंगे इंशाल्लाह, वहाँ जाके बात करेंगे क्योंकि आगे बारिश मुझे उधर होगी, लेकिन चलें वहाँ जाके आपसे मदीना पाक जाके बात करते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए, तो मगरिब का टाइम है 10 मिनट और हम लोग नीचे पार्किंग में जा रहे हैं। आपको पता है हम लोग हमेशा पार्किंग में जाते हैं ना मुझे, इतना रश है गाइस, इतना रश है, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस आगे देखना, इतना रश आगे देखें नीचे पार्किंग में सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के लिए। पीछे देखिए कितना रश है, गाड़ियाँ आ रही हैं अभी, तो देखते हैं आप पार्किंग मिलती नहीं मिलती, फिर इंशाल्लाह ऊपर मगरिब की नमाज़ के जाना है। गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गया, फिर दोबारा नीचे आया क्योंकि आपको पता पार्किंग बहुत फुल थी, मैं यहीं पे खड़ी कर दी थी पार्किंग में अपने, क्योंकि बहुत फुल थी, मेरा बाहर खड़ी किया यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ गाइज फुल थी पार्किंग, अभी एक एक गाड़ी तो निकल रही है, अभी समझे ईशा के बाद ज़्यादा निकलेंगी, बहुत रश है गाइज, आपको दिखाता हूँ मैं। गाइज इन दोनों के बाद मेरा नंबर वो देखे, जिससे वो हो जाएगा आगे कहते ग्रीन, तब हाँ एक ही गाड़ी निकलेगी गाइज। ओ हो गया, वाओ हो गया आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद गाइज फिर रेड होगा क्योंकि पार्किंग गाइज बहुत फुल है आगे। गाइज देखें पीछे कितने लोग खड़े हैं, गाइज देखें, देखा गाइज अभी मेरी बारी आ गई गाइज। चलो गाइज आपसे बाद में बात करता हूँ। गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे, अबू के अबू भी आगे थे नीचे, ईशा के भी अजान होने लगी है तब मुझे जाके पार्किंग गाइज मिली है मुश्किल से, और ऊपर देखे गाइज बादल भी आए हैं, देखें कितना रश है गाइस, देखें कितना रश है, उफ़ल्लाह देखें गाइस माशाल्लाह बहुत रश है। तो चले अभी जा रहे हैं बाथरूम, फिर वहाँ से अंदर हरम के अंदर जगह मिल जाएगी मुझे हरम में, देखते हैं इंशाल्लाह, चले इंशाल्लाह देखते हैं। बहुत सीधे नीचे बहुत गर्मी थी गाइस, चलो गाइस आपसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया क्योंकि ऐसे ऐसे पूरे बंदे बैठे साथ मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम के अंदर आ गए। तो पार्किंग मिल गया आपको था ना, ये है कि अभी ईशा की अजान, हमने सुना ईशा की अजान हुई है, तो अभी ईशा के टाइम आने लगे, तो फिर आपसे मैं ईशा की नमाज़ के बाद बात करता हूँ, तब तक आप देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे आ गया क्योंकि वो मुझे कोई चीज़ लेनी थी गाड़ी में से, क्योंकि गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही खड़ी रहेगी, तो हम ईद की नमाज़ पढ़ के जाएंगे, तब ईद की नमाज़ के बाद हम गाड़ी यहाँ से हटाएंगे। इधर खड़ी पार्किंग में, ये पार्किंग गाइस देखें, ये पूरी फुल, देखें कितनी फुल पार्किंग गाइस थी, मुश्किल से मुझे ये मिल गई गाड़ी पार्क अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ लिखा होता है कि आगे गाड़ी निकल आई, तो यहाँ खड़ी कर दी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। तो अभी कोई चीज़ निकालनी है, तो फिर आपसे मैं गाइस बात करता हूँ, देखते हैं, मैं लगता है ईद के नमाज़ के टाइम आपसे बात करूँगा इंशाल्लाह, मतलब तो फजर से पहले, फजर के पहले। चलो गाइस आपसे बात बात गाइस क्या हाल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा तो मैं आ गया था घर में, घर में आया, आपको दिखाया नहीं, मैं वहीं पे वहाँ से आके खाना खा के गाइस मैं सो गया, सो के अभी उठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश होके अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत नींद आई थी गाइस, मुझे पता है ये है कि अभी हम लोग अभी मैं आपको होटल दिखाई इतना ही देखें, यहाँ से उठते सो देखिए, ये उठ रही नहीं है, देखे मायरा बैठ सो रही है, देखें मायरा उठो, मायरा उठो, मायरा उठो, मायरा उठो, देखें गाइस ये हम लोग का टूर, यहाँ पे हम लोग के सो रहे थे सब, तो देखें मायरा गाइस उठ गई, उठ गई मायरा, सायरा का दूसरा रूम था, देखते अभी सायरा उठ जाकर आपको दिखाऊंगा मैं, तो ये उठ गई है ना। चलो गाइस मैं भी देखती हूँ सायरा के पास, मैं जाके दिखाता हूँ आपको, अगर सायरा उठी नहीं उठी। गाइस अभी मैं कमरे में आया हूँ, दूसरे कमरे में, तो सायरा उठ गई है, मैं सुनो सायरा तुम सो रही हो,
ईद की नमाज ही पढ़नी? अभी उठी हूं। अच्छा अभी उठी हूं। मायरा को तो फिर मैंने ऐसे ऐसे कर करके उसको उठाया है। चलो गाइस, चलो ईद की नमाज पढ़ने चलनी है। चलो गाइस अभी जा रहे हैं हरम में, तो आपसे अभी रास्ते में जाते हुए बातें करते हैं। ये लोग शायद लेट आएंगे, है ना, मम्मा के साथ आएगी लेट। हम लोग गाइस जा रहे हैं, मैं, भाई और अब्बू, तो आपसे वहाँ जाके बात करते हैं। गाइस अभी जा रहे हैं, देखिए ऊपर देखा बारिश के बादल। ये है कि अजान होगी थी, थोड़े लेट हो गए हैं। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, अब जो जा रहे हैं भागते भागते फजर की अजान, क्योंकि पता है ना, मैंने कहा चलो फजर पढ़ के फिर वापस आ जाए, लेकिन नहीं, बहुत गाइस फुल हो जाता है फुल। तो अभी जा रहे हैं, देखें गाइस, गाइस हम जा रहे हैं भाई के साथ। हाँ वालेकुम, सबको ईद मुबारक हो, सबको ईद मुबारक हो हमारी तरफ से भी। देखे मायरा उठ गई थी। हम दोनों भाइयों ने सेम कपड़े पहने आज, मैंने कहा चलो। तो लेट भी होगी ना, ये भी हुआ ना गाइस, बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड। तो देखते क्या होता है, मायरा साथ जा रही मेरे, मायरा डर तो नहीं लग रहा ना वही ना। अब फुल अब्बू का भी फ़ोन आया, अब्बू पहले चले गए थे, तो अब्बू का फ़ोन आया कि वो पैक्ड है, ऊपर जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर जाने दे रहे हैं। भाई आगे थे, अब्बू नीचे है, लेकिन उनको जगह मिल गई ना, अकेले थे, कह रहे हैं आगे रास्ता ही नहीं है। चलो गाइस फिर आपसे अंदर जाके बात करते, देखते कब तक पहुँचते अंदर। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अंदर आ गए, तो आवाज़ इसलिए ऊँचा पड़ा क्योंकि बहुत शोर है ना। यह है कि जगह नहीं थी गाइस बिल्कुल भी, यह है कि उससे पहले हमने फैज़ा की नमाज़ बाहर ही पढ़ी क्योंकि अजान हो गई थी एकदम। तो अभी अंदर आ गए हैं, तो अभी हम देखें रास्ते में बैठे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, हम रास्ते में बैठे हैं, रास्ते में जगह मिली है। गाइस स्टार्ट हो गए, सुने गाइस, देखें अभी मैं यहाँ बैठे हैं, देखें रास्ते में हम लोग बैठे हैं, जगह ही नहीं थी गाइस, रास्ते में बैठे हैं। ये देखें गाइस उल्टा लोग आगे से वापस आ रहे हैं, जगह ही नहीं है। यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, लेकिन अंदर आगे रश ही है बहुत गाइस। दादा के पास जाना है, दादा गाइस भी देखना, गाइस भी ईद मुबारक। चलो गाइस आपसे फिर इंशाल्लाह होटल में जाके बात करते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह होटल में आ गए, ये बाहर बैठे हुए होटल के। ये मायरा भी आ गई, ये क्या पर ये क्या उठाया तुमने, पता नहीं। ओ मनु क्या है, कैमरा इधर पकड़ना, वो हाथ रहो ना गाइस, कैसे कैसे क्या है, कैसे ना आप देख लो। ओ फाइबर है तुम्हारे लिए, ईदी ओ मनु के लिए, किधर फाइस का ये लकी सी लगी, छोड़ो मनु कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो। चलो गाइस अभी लगा हूँ मैं सोने, तो इंशाल्लाह हम जोर के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, जिस टाइम हम लोग गाड़ी में जाएंगे निकलेंगे तब आपसे बात करूंगा, ठीक है गाइस। अभी मैं लगाऊँ सोने, तो इंशाल्लाह आपसे गाड़ी में बात करेंगे फिर उसके बाद। और ये भी आ गई माशाल्लाह, अभी ओके गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल आए हैं हरम से, है ना सारा, बहुत मज़ा आया ना माशाल्लाह। ईद में दिन इतना रश नहीं था, इतना रश नहीं था, मतलब मर्दों की साइड में इतना रश नहीं था, औरतों की साइड में बहुत रश था, क्योंकि हमारी फैमिली गई थी ना, बहुत रश था। लेकिन सबको ईद मुबारक है, बहुत बहुत ईद मुबारक, हज मुबारक, बोला ईद मुबारक, हज मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक। हाँ तो अभी देखे जा रहे हैं, अब्बू आ गया ड्राइविंग करने। चलो इंशाल्लाह गाइस आपसे फिर जद्दा जाके, कि मैं क्यों, क्या कहते हैं, मैं बहुत घर जाके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पिछले वीडियो बना रहा हूँ
ये है कि पूरी फैमिली मेरी इस गाड़ी में चलेगी, एक बंदे को रोका, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम जा रहे थे गाइस तो एकदम रेडिएटर की मतलब कुछ चीज़ पत्थर लगा, मैं डर गया एकदम, आवाज़ आई थी गाड़ी चलाने का। आराम से मुझे आराम से गाइस चलो। और फैमिली को हमने गाड़ी में भेज दिया, मतलब गाड़ी रोकी थी हमने तो, क्योंकि अलाउड नहीं है ना, मतलब आप सेफ्टी भी है ना, सेफ्टी फर्स्ट। पुलिस आई हुई थी पहले, उन्होंने बोला फैमिली को दूसरी गाड़ी में भेजें, तो उसने रुकवाई गाड़ी, तो दूसरी गाड़ी में भेजी है, भाई को भी साथ भेजा है। तो यह गाड़ी चला दी गाइस, गाड़ी स्टार्ट है, पता क्या हुआ, हम जा रहे गाइस तो नीचे से पत्थर लगा गाड़ी को, कड़क आवाज़ आई एकदम। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी गर्म हो गई गाइस, गाड़ी खड़ी की साइड में, तो देखा तो वो रेडिएटर लीक हो रहा है, देखा तो वो चीज़ पत्थर लगा उसको, तो उसके वजह से गाड़ी का रेडिएटर लीक हो गया एकदम। चलो गाइस अभी जा रहे हैं गाइस, गाड़ी खड़ी के देखते कहाँ तक ये लेके जाते हैं। आज ईद है, आपको पता है ना सबको, तो ईद के दिन सब कुछ बंद होता है, देखते हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप शायद यहाँ रास्ते में होगा, देखते हैं। चलो गाइस फिर आपसे आगे जाके बात करते हैं। गाइस हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए थे, तो अभी गाड़ी देखें वो रेडिएटर वाला बंदा गाड़ी ठीक कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। तो इंशाल्लाह गाइस आपसे, अभी तो टाइम हुआ है 9 बजे, बहुत थका क्योंकि ट्रक बहुत स्लो आया, वो ट्रक क्योंकि गाड़ी लोड थी ना बहुत स्लो आया, तो फिर अभी यहाँ उतरे। तो इंशाल्लाह गाइस मैं बहुत थक गया, मैं लगा हूँ थोड़ा गाड़ी में सोने, देखते कब तक गाड़ी ठीक होती है, मुझे लग रहा है कि 1 घंटे तक ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी मैं बस कर गया। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउनलोड करें, और ईद मुबारक सबको, और हज मुबारक जिसने हज किया है। तो गाइस इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, ओके गाइस।